कोई कहेगा कि ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, तो कोई कहेगा इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। सो ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए फेस्टिव सीजन में बिल्कुल रेडी हो जा रही है। विद इन अ वीक ये जो मैं रेमेडी आपको DIY बताने जा रही हूँ वो रिजल्ट दे देगी। वैसे रिजल्ट तो आपको विद इन अ 2 डेज मिल जाएगा, फिर भी मैं बात कर रही हूँ एक अल्टीमेट रिजल्ट की। पिछले 15 दिनों से ये रेमेडी मैं यूज़ कर रही हूँ। पिछले वीडियो में भी, मतलब व्लॉग में, मैंने आपको बताया था कि एक स्किन केयर में अल्टीमेट स्किन केयर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि फेस्टिव सीजन आ चुका है और बहुत सारे ऐसे स्किन केयर, हेयर केयर, फैट लॉस, वेट मैनेजमेंट के वीडियो मैं लेकर आऊँगी। ओके, सो पहला मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रीम है ये किस तरह से काम करेगी, किसके लिए काम करेगी। देखिए, ये क्रीम एज अ सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ सीरम आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ एंटी एजिंग क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ फेशियल क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं, एज अ प्राइमर आप यूज़ कर सकते हैं, और जब नहाने जा रहे हैं सो कोई कंडीशनिंग, मतलब बॉडी के लिए सॉफ्ट कुछ जेल आपको चाहिए उस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कौन यूज़ कर सकता है? मेल, फीमेल, बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, ये इक्वली रिजल्ट देगा। तो फिर तो ये कोई जादुई चीज़ हुई। बिल्कुल, ये बिल्कुल जादुई चीज़ है क्योंकि ये बहुत आसानी से मिल जाएगी और विद इन 20 रुपीज़ ये बनकर तैयार हो जाएगी, है ना। सो हुई ना जादुई चीज़ ये। और हाँ, ये वीडियो जो है मेरा 4 पार्ट में होगा। सो फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊँगी कि इन्ग्रीडियंट कौन से हैं और उनके फ़ायदे बताऊंगी ताकि आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली और फाइनेंशियली तैयार हो जाएं इसको बनाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए, और समझ पाएँ कि इसको क्या चीज़ को क्या चीज़ से हम मतलब टारगेट कर रहे हैं और कौन सा गोल अचीव करना चाह रहे हैं। उसमें से कोई इंग्रेडिएंट आपको लगते हैं कि आपने यूज़ किया आपको नहीं सूट करता वो आप स्किप कर दीजिएगा। ओके, देन मैं बताऊँगी हाउ टू स्टोर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी सेगमेंट होता है क्योंकि क्वेश्चन रह जाते हैं मन में या फिर नहीं समझ में आता कितना बना लें, कैसे रख लें। सो ये वाला रहेगा। थर्ड सेगमेंट में आपको मैं बताऊंगी हाउ टू अप्लाई, सारे तरीके लगभग मैं टारगेट कर दूंगी, फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाएगा आपका तो पूछ लीजिएगा। फोर्थ सेगमेंट में और लास्ट सेगमेंट में आपके क्वेश्चन, इवन डाउट मैं सोचकर आंसर करूंगी। क्वेश्चन रह जाएगा, डाउट रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है ही आपके लिए, क्वेश्चन कर लीजिएगा। ओके, DIY रेमेडी जो है अल्टीमेट होने वाली है। अप्लाई करिए, बनाइए और कॉम्प्लीमेंट पाने के लिए तैयार हो जाइए। सो चलिए अब बात करती हूँ कौन कौन से इंग्रेडिएंट इसमें लगेंगे हमारे। तो सबसे पहले मैंने एक जगह सारे इंग्रेडिएंट्स रख दिए हैं। तो एक आपको ऐसी बॉटल या शीशी लेनी है जिसमें ये सीरम या क्रीम हम बनाकर रख सकें, और दूसरा आपको लेना है एक इसी तरह का कंटेनर कांच का जिसमें हम बहुत ज़्यादा बनाकर स्टोर कर सकें ताकि हम 2-3 महीने के लिए फ्री हो जाए बनाकर और हमारा कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। इस तरह की बोल ले लीजिएगा जिसमें हम उसको मिक्स एंड मैच करेंगे और अच्छे से इंग्रेडिएंट प्रिपेयर कर लेंगे। सो सबसे पहले मैं ट्री ट्री ऑयल ले रही हूँ जो कि एक्स्ट्रा ऑयल को हटाता है और एक्ने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। उसके बाद है नीम, है नीम एसेंशियल ऑयल है जो कि एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें वाइटमिन ई और फैटी एसिड है जो स्किन के लिए काफ़ी कारगर है। उसके बाद आता है केसर, इसमें होता है वाइटमिन सी और एंटी ऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये स्किन को ग्लो देता है, त्वचा को टोन करता है, PM दोनों में हम इसको यूज कर सकते हैं। अब बारी है ग्लिसरीन की जो कि हर टाइप के स्किन के लिए काफी सुटेबल है, यूथफुल, सॉफ्ट और एक टैनिंग दूर कर देता है, एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। वेजिटेबल ग्लिसरीन का इस्तेमाल हमको करना है। उसके बाद बारी आती है गुलाब जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए, हाइड्रेटिंग के लिए बहुत जरूरी है, pH को बैलेंस करता है। फिर दालचीनी लेना जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल होता है। एंड देन लेना है हमको वाइटमिन ई जो स्किन को बनाता है एजलेस, स्पॉटलेस, स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग। अब बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, मतलब इन सबको बनाएंगे कैसे। सो पहले एक बोल में दालचीनी और केसर डालकर ऊपर से ग्लिसरीन हमको डालना है, और 2-2.5 चम्मच मैं यहाँ पर ले रही हूँ क्योंकि एक शीशी बनाना है और आप चाहें तो थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद इस मिक्स को मतलब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और किसी प्लेट से इसको ढककर ओवरनाइट छोड़ देना है। अगर आप ओवरनाइट नहीं रखना चाहते तो 1-2 आवर तो आपको इसको रखना ही है, जिससे दालचीनी का और केसर का स्मेल
अर्क और जितनी भी उसकी गुणवत्ता है उसमें आ जाएगी। उसके बाद सुबह जब इस प्लेट को आप हटाएंगे कि अच्छी सी उसमें स्मेल और कलर दोनों ही ऐड हो जाता है, देन यू कैन ऐड गुलाब जल। आप ऐड कर दीजिए, जैसे 2 चम्मच आपने लिया है ग्लिसरीन, सो 4 से 5 चम्मच आपको गुलाब जल उसमें ऐड करना है। और ये इस पर भी डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। अगर वेदर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है सो गुलाब जल ज़्यादा ऐड कर लीजिए, जैसे ठंडियों में ग्लिसरीन ज़्यादा ऐड कर लीजिए, या पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको चिपचिपा पसंद है, मतलब स्टिकीनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है ग्लिसरीन के, सो आप रहने दीजिए, दोनों को इक्वल पार्ट में कर लीजिए। अगर आपकी स्किन रूखी ज़्यादा है, हाइड्रेशन की कमी है, तब भी आपको ग्लिसरीन ज़्यादा रखना है। उसके बाद 4-4 ड्रॉप्स तो जो दोनों इसेंशियल ऑयल हैं वो ऐड करना है, नीम इसेंशियल ऑयल और साथ में टी ट्री ऑयल। उसके बाद 2 कैप्सूल मैंने विटामिन ई के डाले हैं। सो ये सब कुछ डिपेंड करता है इंग्रेडिएंट्स कितने और ऐड होंगे या कम ऐड होंगे, आप क्वांटिटी क्या बना रहे हैं सीरम का, सनस्क्रीन का, ओके। उसके बाद रखना कैसे है, किसी शीशी में रख लीजिए जिसमें ड्रॉपर लगा हो, जिससे कि 4 ड्रॉप्स आप लेके आराम से अप्लाई करने में एक आपको अच्छा रहेगा, आसानी से आप कर पाएंगे। और बाकी जो बचे जो किसी बड़े कंटेनर में, आप उसको स्टोर करके फ्रिज में डाल दें। ऊपर से जो ड्रॉपर होगा आपका, उसी में दालचीनी और केसर भी ऐड कर दीजिएगा। निकाल के फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल शाइनिंग ग्लॉस ऑल इन वन क्रीम बोलिए, सीरम बोलिए, सनस्क्रीन बोलिए, बनकर तैयार हो चुका है। जो पहला तरीका है इसको अप्लाई करने का, सुबह फ्रेशन अप हो जाइए, चेहरा कायदे से धो लीजिए, अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए, टोनर लगा लीजिए या गुलाब जल लगा लीजिए, या वॉश करके डायरेक्टली भी आप इसको पूरे फेस पर, आंखों के नीचे, माथे पे, गर्दन पर अच्छी तरह से अप्लाई करके छोड़ दीजिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे। दूसरा तरीका होता है नहाने के बाद, आप तुरंत स्किन बिल्कुल रेडी होती है क्योंकि हमने वॉश कर लिया है तो स्किन इज़ नाउ रेडी। सो तुरंत ये वाला सीरम, ये वाला क्रीम, ये वाला सनस्क्रीन आप अप्लाई कर लीजिए तो भी बहुत फ़ायदे करेगा ये। सो ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका हो गया एज ए प्राइमर, मेकअप के पहले आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है, यू कैन सी दैट। सो ये काफ़ी एक इवन जो है आपको मेकअप का बेस बन जाएगा और काफ़ी अच्छा मेकअप आपका सेट होता है। थर्ड तरीका हो सकता है आपका, जो आप नहाने जा रहे हैं उसके पानी में भी इसको ऐड कर सकते हैं, सो पूरी बॉडी मॉइस्चराइज हो जाएगी, तो डीप मॉइस्चराइज़र का भी ये काम करेगा आपका, ओके। इनको प्रॉब्लम है कि इसको रोज़ अप्लाई नहीं कर पाएंगे या मिस कर जाते हैं, तो फिर इसके कैसे पूरे फ़ायदे लें, तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन या जिस दिन हॉलीडे है ना, इसका कंप्लीट फेशियल कर लीजिए। कैसे, सो पहले क्लीन अप कर लीजिए, मतलब चेहरा किसी टोनर या गुलाब जल से वॉश कर लीजिए या पोंछ लीजिए, अच्छी तरह से डीप क्लीन करना है। देन स्टीम ले लीजिए प्रॉपर अच्छी तरीके से, उसमें थोड़ा सा नमक या गुलाब जल या हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा पानी में, और अच्छी तरह से स्टीम लेने के बाद तुरंत ये सीरम को आप अप्लाई कर लीजिए, और देन 5 से 10 मिनट रुके आइसिंग कर लीजिए। ये एक फेशियल का भी आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और एक तरीका है इसके लाभ को पूरी तरह से लेने का, कि जब भी आप इसको लगाएं तो एक अच्छा मसाज जो है पूरे फेस पर करें, जैसे मैं करती हूँ नहाने के बाद इसको लगाती हूँ और अच्छी तरह से इसको मसाज कर लेती हूँ। मसाजर है आपके पास, इट्स ओके, अगर नहीं है तो जस्ट डू विद योर फिंगर टिप, ओके। सो ये कर लीजिएगा तो काफ़ी अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, ओके। बाहर जाने से पहले भी आप इसको लगा लीजिए, इसके ऊपर कोई मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए। तो बहुत सारे वेरिएशन है, कुछ मैंने बता दिए, कुछ आप अपने कॉमन सेंस से या अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। अगर कुछ अल्टीमेट आपने खोज लिया, कुछ यूनिक आपने खोज लिया, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस सीरम को कैसे यूज़ करने वाले, ओके। सो पहला क्वेश्चन आपका ये हो सकता है, मेरा बेबी बहुत छोटा है, क्या मैं उसको लगा सकती हूँ? देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब उनकी स्किन अल्टीमेट जो कहते हैं ना हेल्दी स्किन होती है, वो होती है। जैसे हम किसी की अगर स्किन अच्छी है तो क्या बोलते हैं, बेबी सॉफ्ट, बेबी की तरह क्लीन, ग्लोई, ये बोलते हैं ना। सो वो बेबी है, उसकी स्किन ऑलरेडी हेल्दी है। सो आपको कुछ सीरम या ऐसा कुछ करने की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, अगर आप उसका प्रॉपर देखभाल करते हैं, मसाजिंग जो ऑयलिंग हम घर पर करते हैं बच्चों की वो कर रहे हैं, उपटन वगैरह लगाते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी अगर आप ये लगाना चाहते एक्स्ट्रा केयर के लिए, या ऊपर की लेयर आपकी बेबी की ड्राई है, तो यस यू कैन यूज इट। अगर आपको लगता है कुछ हार्श है इसमें, जैसे कि दालचीनी हो सकता है,
या केसर हो सकता है, तो उसको आप हटा सकते हैं और उसके बाद जो बाकी उसमें इंग्रेडिएंट है वो डाल के उसके लिए सिरम बना सकते हैं, वो अप्लाई कर दीजिए। या तरीका हो सकता है कि पूरा जैसे आपने बनाया है वन ढक्कन लीजिए, एक ढक्कन लीजिए और जो नहाने का पानी होता है बच्चों के उसमें डाल दीजिए, उससे बच्चा नहा लेगा, सो पूरी की पूरी बॉडी जो है मॉइस्चराइज हो जाएगी। दोनों में से कोई भी तरीका आपको पसंद आता है तो कर लीजिए। ग्लिसरीन मुझे सूट नहीं करता या बहुत चिपचिपा होता, मैं इसको अप्लाई नहीं कर पाऊंगी, तो क्या करूं? सो देखिए, ग्लिसरीन की मात्रा कम रखिए, गुलाब जल की मात्रा आप बढ़ा दीजिए, खासतौर से जब चिपचिपा मौसम है या जिनको नहीं पसंद है वो भी, जब ठंडियाँ आती हैं तो ग्लिसरीन की और गुलाब जल की मात्रा इक्वल रख दीजिएगा। मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप कोई भी इन्ग्रीडियंट कम या ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ायदों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि दालचीनी या केसर में से मुझे कुछ सूट नहीं करेगा, आपको लगता है, अगर आपको कंफर्म है तो आप मत उसको ऐड करिए, अगर आपको लगता है तो वो थोड़ा अमाउंट लीजिए। केसर क्या बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं, जैसे ग्लिसरीन और गुलाब जल हम सालों तक रख सकते हैं ना, सो ये भी आप स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसके पोषण में, इसके न्यूट्रिएंट में, इसके किसी भी चीज़ में, इसके फ़ायदों में कोई भी कमी नहीं आएगी। क्या मैं इस सीरम के ऊपर से, इस क्रीम के ऊपर से अपना जो रेगुलर क्रीम वगैरह है, एंटी एजिंग क्रीम है, वो अप्लाई कर सकती हूँ या कर सकता हूँ? ऑफकोर्स कर सकते हैं, ये बिल्कुल नेचुरल रेमेडी है, ये किसी भी चीज़ के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं देगी, सो आप करिए। हाँ, अगर कोई मेडिकेशन आप ले रहे हैं स्किन के लिए तो वहाँ आपको सोचने की ज़रूरत है, मेडिकेशन ले रहे हैं तो प्रॉपर मेडिकेशन करने के बाद जब आपकी प्रॉब्लम हील हो जाती है देन यू कैन अप्लाई इट। सो मुझे लग रहा है कि मैंने सारे आपके क्वेश्चन डाउट्स को क्लियर कर दिया है, फिर भी कुछ रह जाता है तो पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स इज़ ओपन फॉर यू। और हाँ, इस रेमेडी को, इस DIY को अपनों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि इस फेस्टिव सीजन में वो भी इस अमेजिंग DIY और रेमेडी का लाभ उठा सकें। तो दैट्स ऑल फॉर द डे, बी द पार्ट ऑफ अवर ग्लोइंग एंड ग्रोइंग फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।